केम्प्टी प्रपात। देहरादून और मसूरी के बीचों बीच बसा केम्प्टी जलप्रपात देहरादून और मसूरी का मुख्य आकर्षण है। पहाड़ी से गिरने वाला ये प्रपात अत्यंत आकर्षक है। 4500 फीट ऊंचाई से गिरकर पानी 5 धाराओं में बंट जाता है। वहां से 40 फीट नीचे पत्थरों पर खेलता हुआ पानी गिरता है। सन 1835 के बाद जॉन मैकिनन ने इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया। इसका नाम केम्प्टी, कैंप टी के नाम से पड़ा है, क्योंकि अंग्रेज यहां अपनी चाय पार्टी किया करते थे। केम्प्टी प्रपात से 12 किलोमीटर नीचे की ओर अलगार नदी पार करके आप प्रसिद्ध यमुना नदी तक पहुंच सकते हैं। ट्राउट मछलियां यहां भारी मात्रा में पाई जाती हैं। मसूरी के डिविजनल फॉरेस्ट अफसर से आप मछलियां पकड़ने की अनुमति पा सकते हैं। कॉर्बेट प्रपात। कलाथुंगी से 3 किलोमीटर दूर स्थित कॉर्बेट प्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पानी के आवास के साथ आपका स्वागत करता है। ये प्रपात मसूरी के प्रसिद्ध केम्प्टी जैसा ही है, परंतु यहाँ पर्यटक और स्थानीय लोगों की भीड़ न होने के कारण इसका सौंदर्य बरकरार है। ऊंचाई से गिरने वाला ठंडे पानी का यह प्रपात देखना एक रोमांचक अनुभव है। इस प्रपात तक पहुंचने का मार्ग आपको यहां पहुंचने से पहले ही रोमांचित कर देता है। करीब 1.7 किलोमीटर का लंबा रास्ता पंछियों की गूंज के साथ आपको इस स्वर्ग में आने के लिए पुकारता है। कॉर्बेट प्रपात निस्संदेह बेहद सुंदर है। यहां आने वाला हर कोई इसके सौंदर्य से मुग्ध हो जाता है। सातोपंत झील। त्रिकोणी आकार के करीब आधे किलोमीटर परिमिति की यह निर्मल पानी की झील बद्रीनाथ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। कहते हैं यहाँ तीन कोने में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बसे हैं और उन्हीं के नाम से वह मशहूर है। यहाँ आने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है और सिवाय कुछ गुफाओं के आप बीच में कहीं भी रुक नहीं सकते। खाने का सामान, स्टोव वगैरह आपको बद्रीनाथ से ही ले जाना होगा। यह हिम सरोवर बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है।
भीमताल झील। नैनीताल से कुछ किलोमीटर दूर बसा भीमताल सरोवर उत्तरांचल के प्रसिद्ध पर्यटक जगहों में से एक है। पन्ने जैसे हरे रंग का इस झील का पानी आसपास की हरियाली को प्रतिबिंबित करता है और एक अनोखा दृश्य बनाता है। विशाल प्रदेश में फैला ये सरोवर असंख्य जलचरों की प्रजातियों का घर है तथा सर्दी के मौसम में यहाँ स्थलांतर करने वाले पक्षी भी घर बनाते हैं। भीमताल झील में यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आप आनंद उठा सकते हैं। इस झील में बीचों बीच एक द्वीप है जहाँ पर्यटकों के लिए एक रेस्तरां बनाया गया है। कुमाऊं की नयन रम्य हरी पहाड़ियों में बसा भीमताल सरोवर आज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। अगर आपको नैनीताल की भीड़ से दूर जाना है तो शांत और निर्मल भीमताल झील को अवश्य भेंट दें। माँ भारत के प्रसिद्ध योद्धा भीम के नाम से मशहूर भीमताल सरोवर नैनीताल का सबसे बड़ा सरोवर है। दोड़ी तल झील। 3,307 मीटर ऊंचाई पर स्थित दोड़ी तल झील का ट्रैक एक अनोखा अनुभव है। यमुनोत्री और गंगोत्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा यह सरोवर अनोखी प्रजाति की मछलियों का घर है, जिनमें हिमालय के सुनहरी ट्राउट मछलियां शामिल है। ये सरोवर पाइन और ओक के जंगलों से घिरा हुआ है और भारी मात्रा में हिमालय की प्रजातियों के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। दोड़ीतल सरोवर असी गंगा नदी का उद्गम स्थान है, जो आगे जाकर गंगोत्री के नजदीक भागीरथी नदी से मिलती है। 6,387 मीटर ऊंचे बंदरपूछ शिखर का मनोहारी दर्शन करने के लिए आप इस झील से कुछ और ऊपर चढ़कर जा सकते हैं। अब आप हनुमान चट्टी पहुंचते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर 3,667 मीटर ऊंचाई पर आई नेहा पास से आप यमुनोत्री जा सकते हैं। हिमालय का सर्वोत्तम नजारा आप यहां से देख सकते हैं।